बात होगी अगली बड़ी खबर की। बड़ी खबर आपको बता दें, एमबीबीएस बॉन्ड पॉलिसी को लेकर हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। तो छात्रों की बातों को सरकार मान ले, ये नसीहत दी गई है। पॉलिसी सरकार तुरंत प्रभाव से वापस ले, इससे हरियाणा का नुकसान हो रहा है, जल्द से जल्द समाधान निकले। तो देखिए, विपक्ष तो बार बार कह ही रहा है कि सरकार पॉलिसी को वापस ले, ताकि सरकार और एमबीबीएस रेजिडेंट डॉक्टर्स और साथी छात्रों के साथ जो गतिरोध कायम है उसे खत्म किया जा सके। तीन दौर की वार्ता हो चुकी है, जिसमें कल भी दो फेज में वार्ता हुई है। सीएम के साथ बातचीत हुई, लेकिन बात नहीं बन पाई है। आज कैबिनेट की बैठक के बाद भी हिसाब कर दिया गया कि पॉलिसी लागू ही रहेगी, क्योंकि कुछ बदलाव सरकार करने को तैयार हुई। बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन उसे लेकर छात्र तैयार नहीं है, छात्र संगठन तैयार नहीं। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष ये कहते हैं कि ये जो हड़ताल जारी है, इससे हरियाणा का नुकसान हो रहा है। सरकार को चाहिए कि बातचीत करे, सरकार को चाहिए कि तुरंत प्रभाव से इस पॉलिसी को वापस लिया जा सके, ताकि हड़ताल खत्म हो। देखिए, हमने पहले दिन कहा था ये जो बनाया है हमने बॉन्डिंग, तुरंत वापस लेना चाहिए। बॉन्डिंग होनी चाहिए एक साल मार्च को, और छात्रों की बात माननी चाहिए। इससे प्रदेश का भी नुकसान हो रहा है, और जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं वो भी छोड़ जा रहे हैं, फीस भी बढ़ाई हुई है। ये सब बदल के और फिर उनसे बातचीत करके इसका समाधान निकाल के फिर कर।